तो ये है आज का गिव अवे बॉक्स और इसमें है बहुत सारी इंपोर्टेंट बुक्स जो कि तुम में से किसी एक सब्सक्राइबर को मिलेगी। मेरा रूम भी इतना गंदा पड़ा था कि मेरा रूम साफ करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मुझे पिज्जा खाने जाना पड़ा और पिज्जा इतना स्वादिष्ट था कि मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं। लाइब्रेरी में बैठे बैठे इतना थक गया था कि मॉल घूमने भी जाना पड़ा और उसके बाद लौट के आए तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया। मेरा क्या रिएक्शन है आप आगे बताता हूं। तो आज मैं अपने घर पे ही हूं एंड बात करें तो मैं अपने घर की सफाई तो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं होता ही नहीं है। घर पे सरस्वती और मंजीत जब रहते थे तो उस टाइम पर मैं कर लेता था, लेकिन अभी की बात करें तो अभी हो ही नहीं पा रही है, बोल रहा है। लेकिन हाँ, आज मैं ना गिव अवे का अनाउंसमेंट करने वाला हूं, किसको मैं कौन सी बुक्स देने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, चलिए फिर सब कुछ आगे बताऊंगा। पहले आपको दिखा देता हूं अपना रूम कि कुछ इस प्रकार से जो मेरा रूम है, ठीक है, और सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखिए चेयर्स पे सारे कपड़े पड़े हुए हैं, साथ में मेरा बेड ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है, ये चेयर्स पूरी भरी हुई है कपड़ों से, इसमें मेरा ये बैग भी रखा हुआ है देख लो, ठीक है। इधर देखो भाई, रूम की हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है क्योंकि सफाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है मेरा। सफाई की बात करें यार, पता नहीं होता ही नहीं है, अलग से ही रूम दिख जाएगा भाई, जो बैचलर होगा उसका अलग से दिख जाता है और बाकी तो आप लोग समझ ही सकते हो। लेकिन हाँ, आज मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, क्या तड़क भड़क क्या खाऊं मैं, तो मैं सोच रहा हूँ आज पिज्जा खाने का, चलते हैं फटाफट से। एंड सबसे पहले पिज्जा खा के आते हैं क्योंकि अभी की जो वीडियो अपलोड करनी थी वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। शॉर्ट ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा, शॉर्ट ब्लॉग सेक्शन में जाओ, शॉर्ट सेक्शन में यूट्यूब के में, और जाके सारे ब्लॉग मेरे देख लो, शॉर्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, बड़ा मजा आता है। और डेली ब्लॉगिंग करता हूँ मैं शॉर्ट्स की, ठीक है, लॉन्ग ब्लॉग डेली नहीं कर पाता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि पिज्जा से सबसे पहले निपट लेते हैं, रूम से बाद में निपटेंगे क्योंकि रूम तो साफ होता ही रहेगा लेकिन पिज्जा निकल गया तो फिर मेरी दिक्कत हो जाएगी। बस पिज्जा निकल ही रहा था कि उससे पहले पहुंच गया मैं चाट वाले के पास, तो बस चाट पसंद आई तो सबसे पहले चाट का ही। वैसे आज मैं खाने के लिए उतर गया हूँ, यानी मेरे पास खाने के अलावा कोई काम नहीं है और रात का टाइम पूरा खाने का है। सबसे पहले चाट खाई, उसके बाद पहुंच गया पिज्जा स्वैग। अब ये पिज्जा स्वैग यानी डोमिनोज तो नहीं है पर पिज्जा स्वैग लोकल है जो कि मेरे घर के पास में ही है और 70 रुपए में पिज्जा बेच रहे हैं, लेकिन 70 रुपए का तो नहीं था, अंदर जाके मुझसे 210 रुपए ले लिए। लेकिन आप लोग कुछ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, काफी टाइम बाद खा रहा हूँ, लेकिन डेली तो मैं नहीं खाता हूँ, काफी 2-3 महीने बाद खाया है, लेकिन जब भी खाया है काफी अच्छा खाया। उसके बाद आके देखा तो मेरा रूम जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, कैमरा जो मेरा साथ ही ऐसे ही पड़ा हुआ है विदाउट कवर के, लेकिन कोई नहीं, सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं और देख सकते हैं कि रूम की कुछ इस प्रकार की हालत हो चुकी है। अब क्या ही करें, कोई नहीं, चलिए फिर इसको भी साफ कर लेते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए फिर रूम की देख सकते हैं हालत इस प्रकार की है, किचन इस प्रकार से पूरी पड़ी हुई है, सबसे पहले पूरी सफाई करेंगे उसके बाद आपसे मिलेंगे। लेकिन कपड़े भी इंतजार कर रहे थे मेरा कि कब आऊं और कब इनको धुलूं, लेकिन धुलने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। इस कमरे को साफ करने में मुझे पूरे 10 दिन लग गए, यानी कि मैं जब से घर से आया हूँ तब से मैंने रूम को साफ किया ही नहीं है, टेबल की बात करें तब से साफ नहीं हुई है। बाकी आप लोग देख सकते हैं पूरा सब कुछ साफ हो चुका है, बर्तन भी मैंने आज धुले हैं, वैसे किचन भी थोड़ी थोड़ी चमक गई है, अब आपके हिसाब से नहीं चमकी होगी लेकिन मेरे हिसाब से चमक चुकी है। बाकी स्टडी टेबल भी आप लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, मेरा माइक जो लगा हुआ है यानी वीडियो शूट करने के लिए, कोई नहीं वीडियो शूट तो अभी नहीं करनी है क्योंकि कभी कभी वीडियो शूट होती है। अब मैं आपको गिव अवे का बता देता हूँ कि ये बॉक्स है और इसमें एनसीईआरटी वाला की जो सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, अभिषेक जयसवार को देने वाला हूं क्योंकि इनको काफी ज्यादा जरूरत थी, इन्होंने मेल किया था मेरे पास बुक्स के लिए। वैसे आपको भी जब बुक्स की जरूरत है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप लोग मेरे पास मेल जरूर करें। तो अभिषेक जी, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई और ये बुक्स आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन हो चुका है लेकिन पीडब्ल्यूओएलएस ने प्रीलिम्स वाला उड़ान जो स्टैटिक बुक्स निकाली है जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है, यानी अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही तो बहुत जल्दी रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोग जो उड़ान की तरफ जा सकते हैं, जो कि उड़ान आपको उड़ान भराएगा और जो कि प्रीलिम्स की स्टैटिक बुक्स काफी ज्यादा बेस्ट है। इसको स्ट्रक्चर किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है, यानी कि इसका कंटेंट आप लोग देख सकते हैं, हर एक चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। वहीं बात करें वन लाइनर फॉर्मेट की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहता है, जो कि फैक्चुअल कंटेंट सबसे ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोग वन लाइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में ये अवेलेबल है, बाकी आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छे से जो है इन्होंने डिजाइन किया है, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में। अगर आपने अच्छे से नोट्स नहीं बना पाए हैं या फिर नोट्स काफी ज्यादा लेंथी हो चुके हैं तो आपको इसकी तरफ जाने की जरूरत है। अगर आप यहां से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है यानी प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो सकता है। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मेरा कूपन कोड यूज करके RN500 और डिस्काउंट ले सकते हैं और लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको जरूरत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, क्लिक जरूर करें। तो रात में काम करते करते काफी ज्यादा लेट हो गया था लेकिन सुबह भी काफी लेट ही उठाऊं और उठने के बाद तैयार हो गया
तैयार होकर निकल गया अपनी लाइब्रेरी के लिए, लेकिन रास्ते में जा ही रहा था और सुबह से कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो बस मैंने सोचा कि कोई नहीं, सबसे पहले बेल के जूस के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और बस बेल का जूस पीते हुए निकल गया अपनी लाइब्रेरी के लिए, और लाइब्रेरी के लिए जा ही रहा था कि ट्रैफिक की बात करें सुबह सुबह ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन कोई नहीं, इसको भी क्रॉस करते करते पहुँच गया लाइब्रेरी और सबसे पहले अपनी एंट्री की और यहाँ से अपना इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर उठाया, क्योंकि सुबह सुबह की जो स्टार्टिंग होती है उसमें न्यूज़पेपर पढ़ लो तो पूरा दिन जो है एकदम काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव जाता है। और जैसे ही अपने स्टडी सीट पर आया और वहाँ आने के बाद सबसे पहले बैठ गया न्यूज़पेपर कंप्लीट करने। वैसे आप लोग कौन सा न्यूज़पेपर कंप्लीट करते हो, और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहीं आपकी अगर कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस ब्लॉग को जरूर शेयर करना, ताकि ये ब्लॉग अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा देना, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड मेरी मेहनत लगी है। वैसे ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने पॉलिटी का जो नोट्स था, यानी स्टैटिक प्रीलिम्स वाला, और प्रीलिम्स के लिए ही स्पेसिफिक तैयारी कर रहा हूँ, तो बस उसका नोट्स निकाला और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसके बाद कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए फटाफट से। और ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं थक गया काफ़ी ज़्यादा। उससे पहले मुझे खाना खाना था, क्योंकि सुबह ही ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट भी कोई नॉर्मल ही किया था, यानी कि जूस पिया था। अब जूस से कोई ब्रेकफास्ट तो नहीं होता है, ये बात तो आप लोग भी जानते हो, तो बस इसीलिए सबसे पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। और तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, अब सुबह से खाना नहीं खाया है और अच्छे से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो इस वजह से पहुंच गया मैं रेस्टोरेंट और वहाँ से मैं अपना खाना पैक कराने लगा। जैसे भैया जो फटाफट से रोटियाँ बना रहे थे और मैं खड़े होकर के देख रहा था, तब तक उन्होंने घी लगा के और अच्छे से रोटियाँ पैक कर दी। अब खाना घर से तो लाया नहीं जाता है, क्योंकि घर पर कोई बनाने वाला नहीं है, तो इस वजह से खाना जो है लाइब्रेरी में ही पैक करा के ले आता हूँ और उसके बाद उसे खा लेता हूँ। वैसे आप लोग को कैसा लगता है यहाँ का मेरा खाना? वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट लगता है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यानी चावल भी साथ मिल जाते हैं और साथ में राजमा या फिर चावल छोले ले सकते हैं। तो चलिए फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि खाना तो खा ही लिया है और खाना खाने के बाद फिर एनर्जी आ जाती है। अब एनर्जी का फुल्ली प्रयोग करूंगा और जल्दी से फटाफट से एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और कम से कम 5 चैप्टर मुझे अभी पॉलिटी के कंप्लीट करने हैं, यानी रिवाइज करने हैं। देखिए, पहले तो मैंने काफ़ी बार स्टडी करी है पॉलिटी की, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी से रिविजन करनी है, तो प्रीलिम्स स्टैटिक वाला की तो रिवीजन करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको वीडियो में बताया भी था। वैसे आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रीलिम्स जो है पोस्टपोन्ड हो चुका है, वैसे ज़्यादा दिन के लिए पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, 21 डेज ही आपको जो है मिलेंगे इसमें, लेकिन कोई नहीं, एक एक दिन काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन मेंस की बात करें तो मेंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन की वजह से जो है पोस्टपोन्ड किया है। वहीं सीसेट, अभी अगर UPPCS की बात करें तो UPPCS का भी पोस्टपोन्ड कर दिया है, काफ़ी टाइम बाद उसका भी एग्जाम होगा, लेकिन इसका भी काफ़ी टाइम बाद होने वाला है, यानी 21 डेज जो है और आगे बढ़ा दिया है। वैसे इसको लेके मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कुछ कहना चाहता। वैसे गवर्नमेंट जो भी कर रही है या फिर कमीशन जो है कुछ भी कर रही है, वो ठीक ही कर रही होगी उसके हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पर जो कोई स्लॉट खाली नहीं है और इलेक्शंस हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा। वैसे पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से टायर्ड फील होने लग गया, यानी बहुत थक गया था मैं, लेकिन कोई नहीं, फिर मैंने सोचा बाहर थोड़ा सा घूम लेते हैं। अब घूमने के लिए मेरे लाइब्रेरी के पास में कोई और जगह तो है नहीं, ओनली एक है, वो है V3S मॉल। तो फिर मैंने सोचा, डिसाइड किया कि कोई नहीं, V3S मॉल को घूमेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं सर को पकड़ के और बैठ लेता हूँ। वैसे सर को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पता नहीं क्यों, यानी अपनी थकान को महसूस कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलते हैं और V3S। सर दर्द हो रहा था, तो सर दर्द कम करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना सर धो लिया, और सर धोने के बाद फिर कुछ इस प्रकार का फील हुआ। तो थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद फिर आ गया मैं अपनी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी आने के बाद जो सीसेट की क्लास थी उसको कंप्लीट किया, यानी 2 क्लासेज सी सेट की, 2-2 घंटे की थी, तो दोनों को कंप्लीट किया और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाए और प्रैक्टिस करी। वैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो ज़रूर बताना। वैसे सी सेट की तैयारी कहाँ से कर रहे हो? एक व्यक्ति मुझसे सी सेट की तैयारी की पूछ रहा था कि कहाँ से कर रहा हूँ, तो PW का जो बैच था माइस्ट्रो, उसी से कर रहा हूँ, मेरे पास बैच था वो, तो
तो इस वजह से उसी को मैंने लिया है। और उसकी 55 लेक्चर्स हैं, तो उन 55 लेक्चर्स जो कि दो दो घंटे के हैं, उनको सभी को कंप्लीट कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये कंप्लीट जो है कब तक हो जाते हैं, और जैसे ही कंप्लीट होंगे वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और वैसे आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। और नाइट होने वाली थी, अंधेरा जो है होने वाला था, तो इस वजह से फिर मैं निकला अपनी लाइब्रेरी से बाहर। और लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद निकल गया अपने घर के लिए। घर जा रहा था, रास्ते रास्ते में ही जो अंधेरा हो गया, अब कोई नहीं, चलते हैं और पहुंचते हैं आज के ब्लॉग को जो एंड करेंगे। और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। वैसे आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और हाँ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कल के लिए मैंने केले भी ले लिए हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी करना ज़रूरी है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।